हाँ। मसाला डाल देंगे, ये सारा मसाले को नमकीन के साथ मिक्स कर देगा। ये कितना टाइम में मिक्स कर देता सर? ये 5 से 10 मिनट के अंदर, अगर आप 20 से 25 किलो नमकीन डालेंगे इसमें, मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर ये आपका पूरा नमकीन पूरा मिक्स कर देगा। अच्छा जी जी, इसमें अगर इतना दबाएंगे तो फिर भी नहीं फूटेगा। इसमें अगर दोनों प्रेशर कम से कम इस पाउच को फाड़ने के लिए 70 किलो का प्रेशर चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, इस पाउच के अंदर आप खड़े भी हो जाइएगा तो ये नहीं पूरा वजन उठा लेगा। जब ये इसमें जब आपके जब ये इसमें ज्यादा प्रेशर 70 किलो का डालिएगा तब ये फटेगा। देखना चाहूंगा मैं भी बिल्कुल। ये हमारी ये कंट्रोल पैनल है, ये सारी कंट्रोल पैनल है, यहाँ से हमारी मशीन ऑपरेट होती है। जी जी, ठीक है। हमने इसको ग्रीन वाला बटन दबाया, मशीन चालू हो गई। एक बटन से चालू हो जाएगा? एक बटन से चालू हो जाती है। अच्छा जी जी, बहुत अच्छा। सर इसका क्या प्रोडक्शन प्रोडक्शन होने वाला दिन भर का? 60 पाउच पर मिनट निकालेगी। अच्छा, ये पाउच पैकिंग मशीन में जो हाई क्वालिटी में मशीन है ना, ये 60 बिजनेस ऐसा जो कमा के दे पैसा। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो आप जानेंगे कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। साथियों, यह बिजनेस आप जहाँ रहते हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। आज हम इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, कहाँ से मशीन ले सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। आइए देखते हैं, समझते और जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। सर एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए, फिर उसके बाद हमसे बिजनेस की बात करेंगे। जी जी। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद शहजादा नाम है हमारा। अच्छा, किस नाम से फैक्ट्री सर आपकी? सर विराट पैकेजिंग के नाम से फैक्ट्री है। अच्छा सर, आपकी जो विराट पैकेजिंग है किस तरह की मशीन बनाती है? पाउच पैकिंग मशीन से जितनी सारी रिलेटेड मशीनें आती हैं, जैसे आपका चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, आपका मखाना पैकिंग जी। और आपका ये चाय पत्ती, दाल, कोई आपका जो भी सारी पाउच पैकिंग, जो भी पाउचेस में चीज आता है वो सारी मशीनें बनाते हैं। आपका बिस्किट पैकिंग हो गया, फ्लोर रैप जिसमें पैक होता है, वो सारी मशीनें। आज जो मुझे ले आए आप इस पॉइंट पे, जो आपका कहना है कि अपने कस्टमर पॉइंट पे ले जा रहा हूँ, ये कौन सी जगह है? ये आपका बहादुरगढ़ में है, हरियाणा में। अच्छा जी। कस्टमर पॉइंट है जहाँ हमने मशीन दे रखी है। अच्छा, तो यहाँ जो मशीन आपने दिया, यहाँ किस प्रकार, कौन सी मशीन आपने दिया? यहाँ पे हमने पूरी नमकीन प्लांट दिया है। पूरी नमकीन प्लांट? पूरा नमकीन प्लांट ए से जेड तक। उसमें उन्होंने कम से कम 35 प्रकार की नमकीनें बनाते हैं। 35 प्रकार के नमकीन? 35 प्रकार की नमकीनें बनाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये सब नमकीन बना हुआ है? सर ये सब सारी नमकीन बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर आपका ये बिल्कुल बिल्कुल दाल वाली नमकीन पैक है इसमें। जी जी जी। ये सारी आपका आधा किलो एक किलो की पैकिंग है। उसके बाद आपकी ये सारी नमकीन जितनी वैरायटी सारी है जी, ये 35 प्रकार की सारी सैंपल में लगा रखे हैं हमने। अच्छा जी, मतलब जो आपने मशीन दिए हैं सर, हाँ, उसी मशीन से ये बनाया गया है? ये सारी उसी मशीन से ये बना हुआ है। तो क्या मशीन से अलग अलग दिए कि एक ही मशीन से इतने प्रोडक्ट बने हुए हैं? ये सर एक ही मशीन से अलग अलग 35 मशीन लेना पड़ेगा तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, किसी का कम बजट है जी। तो एक ही मशीन से सारी प्रोडक्ट निकलता है, मतलब एक मशीन से भी अलग अलग प्रोडक्ट निकाला अलग अलग प्रोडक्ट निकलता है। तो सर मेरे साथियों को जरा वन बाय वन करके बताइए क्या प्रोसेस है नमकीन बनाने का? नमकीन का प्रोडक्शन यही है कि हम मतलब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यही है कि हमें पहले भट्टी लेना पड़ता है। जी जी। भट्टी में तेल डालना पड़ता है, तेल को गर्म करना पड़ता है, उसके ऊपर भुजिया की मशीन लगानी पड़ती है। जी जी। उसमें बेसन का, जैसे हमें बेसन का नमकीन निकालना है तो बेसन का मल्ली मशीन में पीस के, ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। बाकी मुझे सर एक नॉर्मल बताइए कौन कौन सी मशीन लगाए हैं आप? हाँ, जैसे ये आप देख सकते हैं कि जैसे जिसके पास बजट कम है जी, तो ये भट्टी ले लेते हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भट्टी हो गया आपका लकड़ी का भट्टी। जी, इसमें नीचे से लकड़ी डालेंगे, वहाँ से आपका ब्लोअर लगेगा, ब्लोअर आपसे ये तेल हीट होगा जी, इसमें आपका तेल निकलेगा, तेल गर्म हो करके उसके बाद आपका इसमें डालते हैं। अच्छा जी, हाइड्रो में। जी जी। इसमें आपका एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है, एक्स्ट्रा ऑयल जो है, अच्छा, तेल नमकीन घूम के एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देगा। उसके बाद उसमें मसाला मिलाने का ये काम होता है। अच्छा जी। इसमें मसाला मिलता है,
जैसे कि सब मसाला मिला के रखा हुआ है ये जी, जी सारा कुछ रखा हुआ है। उसके बाद पाउच पैकिंग मशीन है हमारी। अच्छा ये मशीन है आपकी? हाँ ये पाउच पैकिंग मशीन है हमारी। ये मशीन चला के भी दिखाएंगे? बिल्कुल चला के दिखाएंगे आपके सामने। चला के दिखाइए, जरा देखना चाहूंगा मैं भी। बिल्कुल ये हमारी ये कंट्रोल पैनल है, ये सारी ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ से हमारी मशीन ऑपरेट होती है। जी जी ठीक है। हमने इसको ग्रीन वाला बटन दबाया, मशीन चालू हो गया। एक बटन से चालू हो जाएगा? एक बटन से चालू हो जाती है। अच्छा जी जी। बहुत अच्छा। सर इसका क्या प्रोडक्शन प्रोडक्शन होने वाला दिन भर का? 60 पाउच पर मिनट निकालेगी। अच्छा ये पाउच पैकिंग मशीन में जो हाई क्वालिटी में मशीन है ना, ये 60 पाउच पर मिनट निकालती है। अच्छा। ये हमारी न्यूमेटिक और न्यूमेटिक नहीं निकालती है, ये कॉलर टाइप मशीन है, कॉलर टाइप ही 60 पाउच निकालती है। अच्छा ये सबसे हाई प्रोडक्शन वाली मशीन है। अच्छा एक बात सर और बताइए। हाँ। ये तो नमकीन देख रहा हूँ पैक कर रहे हैं। हाँ। इसके अलावा और क्या क्या पैक कर सकते हैं इसमें? आपके जो कप है ना, हमारे पास ये कप लगा है जी जी, इस वॉल्यूम में जो रेंज में आ जाए आपका, जितने सारे हमारे पास गठिया है, पंजाबी तड़का है, मूंग दाल है, आपका बादाम पकौड़ा है, और आपका जितने सारे पीनट्स है जी जी, आपका आपका आलू भुजिया है, आपका नमकीन का जो भी रेंज है, नमकीन का सारा कुछ पैक हो जाएगा। अच्छा। अन्यथा इसमें अगर लोग फ्रेम्स आइटम पैक करना चाहते हैं, जैसे पास्ता हो गया, मैक्रोनी हो गया, लोगों को फिर से आपको पफ हो गया, पफ हो गया जो बिहार में लोग खाते हैं, फोफी वगैरह जी जी, लोग वो भी, ये सारा कुछ इसमें पैक हो जाएगा। अच्छा। तो पैकेजिंग मशीन में जो हॉपर में डाल दीजिए, जो कप में आ जाए, वो माल गिरेगा तो वो सारा पैक हो जाएगा। तो एक बार और सर, इसमें कितने ग्राम से कितने ग्राम तक पैक कर सकते हैं? अभी तो मैं देख रहा हूँ ये 50 ग्राम या 2500 ग्राम ये नहीं, ये आपका 20-22 ग्राम का पाउच। अच्छा। है ये 5 रुपए वाला पैकेट है। अच्छा ये 20 ग्राम। अच्छा ये 5 वाला पैकेट है, बहुत हैवी पैक हुआ है सर। बिल्कुल इसमें एयर टाइट है। अच्छा हवा भी है इसमें? अगर इतना दबाएंगे तो फिर भी नहीं फूटेगा इसमें। अगर दोनों प्रेशर कम से कम इस पाउच को फाड़ने के लिए 70 किलो का प्रेशर चाहिए। अरे ये देखिए, ये देखिए पाउच के अंदर आप खड़े भी हो जाइएगा। हाँ हाँ। तो ये नहीं पूरा वजन उठा लेगा। जब अच्छा। ये इसमें जब का आपके जब ये इसमें ज्यादा प्रेशर 70 किलो का डालिएगा तब ये फटेगा। अरे वाह जी, बहुत अच्छा। देखना साथियों, एक ऐसी मशीन दिखा रहा हूँ आपको कि आप देख रहे हैं सीधे फैक्ट्री में लगा हुआ है, और फैक्ट्री में कैसे काम हो रहा है, आप अपने आपको अपना फैक्ट्री कैसे बना सकते हैं, कौन सी मशीन लगा सकते हैं, आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सर एक बात और जानूंगा, जिस फैक्ट्री आप ले आए हैं जी, मैं जरा उनसे भी बात कराइए एक बार मेरी जरा। जिनको मैंने मशीन दिया है सर को, हाँ, उनकी प्रोडक्शन क्या है, मतलब इनसे एक बार बात कर लीजिए। हाँ एक बार मैं भी सर से जानूंगा, सर के फैक्ट्री आया हूँ। सर बहुत अच्छी लगी आपकी फैक्ट्री मुझे देख के, मैं भी देख पा रहा हूँ कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे। सर एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। अच्छा जी सर ये कहाँ पर है जरा अपनी फैक्ट्री का नाम आप खुद बताइए। ये बहादुरगढ़ में है, निजामपुर रोड पर। अच्छा किस नाम से फैक्ट्री सर आपके? ये जी बाल गोपाल नमकीन के नाम से, मिस्टर स्नैक्स बाल गोपाल नमकीन। रजिस्टर्ड है अपनी फर्म। अच्छा अच्छा जी। सर कितने दिन हो गए आपको ये काम करते हुए? 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो गए आपको काम करते हुए? अच्छा अच्छा। ये इन्हीं से मशीन ली थी, इनकी एड देख के मैंने। अच्छा इनसे आपने मशीन लिया था? हाँ जी। अच्छा सर मुझे इसीलिए ले आए हैं आपके यहाँ की, कम से कम आपकी फैक्ट्री में देख पा रहा हूँ कि जो भी नया युवा साथी, जो भी लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या कुछ लोगों के पास सर पैसे तो हैं पर सही नॉलेज सही जानकारी के वजह से लोग अपना बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहे हैं, तो सर इसीलिए मुझे आपके यहाँ ले आए हैं। सर कितने प्रकार की नमकीन बनाते हैं आप? मेरे पास 35 है। कितने? 35 प्रकार। 35 प्रकार के नमकीन बनाते हैं। अच्छा अच्छा। कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर आपके? मेरे 35 से 40 है। 35 से 40 डिस्ट्रीब्यूटर आपके? अच्छा पूरे इंडिया में? नहीं नहीं ओनली हरियाणा। हरियाणा जी? हरियाणा। हरियाणा में? जी हरियाणा दिल्ली में मेरा माल। अच्छा हरियाणा और दिल्ली में आपका माल जाता है। अच्छा तो सर एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो भी युवा साथी ये बिजनेस देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका, क्या कहना चाहेंगे? संदेश यही है, जो नौकरी करते हैं नौकरी से बेटर काम है। पहले मैं भी नौकरी करता था। अच्छा नौकरी से फिर इस काम में आया। जी जी। अभी काम सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है सर। ये सब वीडियो देख के ही मुझे। अच्छा एक बात और,
कि ये सर हैं आपके बगल में खड़े हुए और इन्होंने आपको मशीन दी है, इनकी क्या सर्विस हो रही है जरा ये सही सही बताना सर। गुड सर्विस है बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं हो कि मशीन ये दे दिए पता चला कोई चीज खराब हो जाए कुछ हो जाए तो फिर ये फोन लगाते रहो बताते रहो। सर 2 साल हो गए इस मशीन को, आज तक कोई दिक्कत आई नहीं है अभी तक। अच्छा, सामने है जो है पूछ लीजिए। हाँ, मैं इसलिए देखो ये वीडियो बहुत लोग देख रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी देख रहे होंगे, मार्केट में बहुत फ्रॉड होता है। जी जी। यहाँ तक आप पैसे भी डाल दो 50,000 एडवांस, फोन नहीं उठाते, बोलते हैं आज जाएगी कल जाएगी। जी जी। उसके बाद वो मशीन ही नहीं देते। तो इसीलिए मैंने सर आपके यहाँ देखे आया हूँ। लोग कहते हैं कि मुझे वहाँ ले जाइए जहाँ लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर के यहाँ ले जाते हैं, मशीन मालिक से बात कराते हैं। तो आज मैं आपके पॉइंट पे आया हूँ, आपके फैक्ट्री में चल के आया हूँ कि लोग जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक संदेश है, एक मिशन है कि वो अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। माध्यम यही है, हमसे बोला था सर ने कि जैसे हम रोजगार पाए हैं तो हम भी 10-15 लोगों को रोजगार दें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे कम से कम 15-20 लोग काम करते हैं। बिल्कुल सर ने उनको रोजगार दिया है, उनके माध्यम से किसी के घर में रोजी चूल्हा जल रहा है। बिल्कुल सर, कोई 2 रोटी कमा रहा है तो मतलब यही होता है, प्रोत्साहित होते हैं लोग एक दूसरे को देख के। मान लो घर में लोग तो पैसे रखे रहते हैं लेकिन बिजनेस करने का आइडिया नहीं होता। जी, आप जैसे लोग हमसे मिलते हैं हम उनको बताते हैं कि सर ऐसे बिजनेस कीजिए, उससे लोगों को रोजगार चलता है, हम हैं हमारी मशीन बिकती है, हमें भी रोजी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो सर आप मतलब इनसे संतुष्ट हैं इनके मशीन से? बिल्कुल संतुष्ट। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोगों के लिए। लोग अपना कुछ न कुछ जरूर रोजगार अपना शुरू कर रहे होंगे, और जितने 35 डिस्ट्रीब्यूटर को आपने बना रखा है तो 35 लोग भी तो आपसे जुड़े हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल 35 डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। सबसे सही बात यह है कि 35 डिस्ट्रीब्यूटर साथ इन्होंने 35 प्रकार की नमकीन निकाल दिया। बिल्कुल 35 प्रकार की नमकीन। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक सर, आप मुझे बताइए जो भी ये साथी फैक्ट्री देख रहा होगा, मशीन आपका देख रहा होगा और आपने मशीन को ए से लेकर जेड तक चलाए हैं, समझाए हैं, बताएं, कोई मशीन लेना चाहता है तो कैसे संपर्क कर सकता है? कोई मशीन लेना चाहता है जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, या हमारा खुद का ये विराट पैकेजिंग है, गूगल में सर्च मारिए, कहीं भी मसाज मारिए, विराट पैकेजिंग का नंबर आ जाएगा, डायरेक्ट हमारे पास कॉल आएगा। हमारा नोएडा में फैक्ट्री है, नोएडा में आके विजिट कर लीजिए लोग। सर जो नोएडा में फैक्ट्री उसका नाम बताइए, विराट कहाँ पर है? विराट पैकेजिंग नोएडा सेक्टर 10 में है। अच्छा, आ जाइए वहाँ पे, हम मोस्ट वेलकम है। नियर बाई दिल्ली स्टेशन से उतरिएगा तो नोएडा सेक्टर 16 के लिए मेट्रो लीजिएगा। जी, मेट्रो से सीधा हमारे फैक्ट्री तक, वहाँ पे अगर किसी को बोलिए विराट पैकेजिंग छोड़ना है हमारे घर तक छोड़ेगा। अच्छा। वहाँ पे अगर आप लोकेशन आप नहीं पहुँच पाते हैं तो हमारा सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अच्छा, 10 कदम चलिए हमारे फैक्ट्री आ जाइए। चलिए सर, ब्लॉक में। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि एक बेहतर बिजनेस आइडिया मेरे साथियों को बताए हैं, दिखाए हैं, समझाए। थैंक यू सर, नमस्कार।